राजस्थान के चुरू जिले के बीदासर तहसील के सिलावर समाज द्वारा युवा सिलावर समाज के 57 कार्यकर्ताओं को समाज में ऐतिहासिक काम करने पर सम्मानित किया गया। साथ ही में कमेटी द्वारा पूरे सिलावर समाज के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन का ऐलान भी किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ रिजवान बागोट। आज आपको चुरू जिले की बिदासर तहसील का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर सिलावट समाज भवन में युवा सिलावट समाज कमेटी द्वारा सिलावट समाज व सिलावट समाज के मुअज्जल लोगों द्वारा युवा सिलावट समाज कमेटी के पूरी कमेटी को सम्मानित किया जाएगा। इसलिए हम सिलावट समाज भवन में पहुँचे हैं। आज आपको सिलावट समाज भवन व कमेटी के सदस्यों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि उन्होंने क्या ऐतिहासिक काम किए। इसलिए आओ इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आज हम चुरू जिले की बिदासर तहसील पहुंचे हैं। बिदासर में सिलावट समाज भवन में पहुंचे हैं, जहां युवा सिलावट समाज कमेटी के 57 कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है। और इस समय क्या उन्होंने ऐतिहासिक काम किए जिससे इनको सम्मानित किया गया है। इस समय हमारे साथ सिलावट समाज के सदर रफीक जी मुगल हमारे साथ है और उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। हम उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि उन्होंने क्या ऐतिहासिक काम किए जिससे उनको सम्मानित किया गया। हमारे युवा समाज की जो कमेटी है, इन्होंने हमारे समाज के लिए जो काम किए हैं, खाली हमारे समाज के लिए नहीं, सिलावट समाज के अलावा अन्य कौमों के लिए भी इन्होंने काम किए। जैसे ब्लड डोनेशन का काम करवाया, जो विद्यार्थी हैं जो शिक्षा लेकर जो डिग्री हासिल किए उनका सम्मान किया, और बीमारों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करवाया, और भी कई समाज के जो गरीब लोग थे उनके लिए इन्होंने माली हालत भी उनकी देख के उनके इलाज के लिए पैसे भी इन्होंने अपनी तरफ से दिए। तो इन लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमारे युवा समाज के जो लोग हैं, इन्होंने जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक काम किया वो ये है कि हमारी पूरी सिलावट समाज कौम को इन्होंने जोड़ा है और एक मंच पे ला के बिठाया है। और आगे जो ये काम करने वाले हैं, जो सम्मेलन रखा हमने सामूहिक विवाह सम्मेलन जो 3 नवंबर 2019 का है, वो काम भी इन्होंने अपने कंधे पे ले रखा है। उनका काम भी ये लोग कर रहे हैं, यानी इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रिजवान की रिपोर्ट, चुरू राजस्थान। राजस्थान के जयपुर शहर में लोकसभा का टिकट मिलने के बाद रामचरण बोहरा ने सबसे पहले जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर खोले के हनुमान जी पर जाकर आशीर्वाद लिया। इस बीच रामचरण बोहरा के साथ हजारों की तादाद में समर्थकों ने उनका साथ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने एक बार फिर सांसद के लिए रामचरण बोहरा का नाम पर मुहर लगाई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट, जयपुर। राजस्थान के जयपुर में सीवरेज लाइन जमा की समस्या को लेकर मोती डूंगरी रोड पर लोगों ने जाम लगाया। सीवरेज का पानी घरों के अंदर घुसा, जिसके चलते नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी अधिकारी सुध नहीं ले रहे। स्थानीय लोगों ने मोती डूंगरी रोड पर जाम लगाकर और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और निगम के अधिकारियों ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं मौके पर पहुंचे निगम के अधिकारियों ने सीवरेज सफाई का काम शुरू करवाया, जिसके बाद जाम खुलवाया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नीना वर्मा की रिपोर्ट, जयपुर।